लोकतंत्र को मजाक न बनाएं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। रिटर्निंग अफसर को कोर्ट में लाइए, उसको हमारे सामने खड़ा करिए, उस पर तो मुकदमा चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी समझ सको तो समझ लो। देश के इलेक्शन सिस्टम पर ऐसी कठोर टिप्पणियां आपने पहले शायद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जुबानी सुनी होंगी। नमस्कार, सियासी नुक्ता विद मुक्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। चंडीगढ़ मेयर चुनाव किस तरह बन गया वोट का लूट तंत्र और कैसे ये आशंका बढ़ रही है कि कहीं आपका वोट न लूट जाए, इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं खास विश्लेषण। कैमरा झूठ नहीं बोलता। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इस कैमरे ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की चोरी पकड़ ली। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में मसीह साहब सरेआम बैलेट पेपर पर निशान लगाते रंगे हाथों पकड़े गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 30 जनवरी को हुआ था। इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था, लेकिन मसीह साहब की करस्तानी से विपक्ष के 8 वोट रद्द हो गए और बीजेपी विजयी घोषित कर दी गई। बीजेपी ने मेयर का चुनाव जीत लिया और बीजेपी के मनोज सोनकर देश के सबसे मॉडर्न शहर चंडीगढ़ के मेयर चुन लिए गए। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर को सब कुछ हरा हरा लग रहा था। वो किस आका के इशारे पर अपनी जिम्मेदारी से खिलवाड़ कर रहे थे ये तो वही जाने, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जब कानून का हथौड़ा पड़ता है तो अच्छे अच्छों को औकात याद आ जाती है। यही हुआ अनिल मसीह के साथ। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को कोर्ट में चुनौती दी और फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। बीजेपी ने रातों रात फिर अपना मेयर बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो न सका। केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा उसे नेताओं और उनकी चमचागिरी करने वाले अफसरों को जरूर सुनना चाहिए। बीजेपी ने चंडीगढ़ में अपना मेयर बनवाने के लिए सारे घोड़े खोल दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गेम पलट दिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 19 फरवरी को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI DY चंद्रचूड़ ने रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे। इस पर मसीह ने कहा कि वहां बहुत शोर हो रहा था, पार्षद कैमरा चिल्ला रहे थे, तभी मैंने उधर देखा कि क्या बात है। If I find that you are not giving me a truthful answer, you'll be prosecuted. Every word which you say, you'll be held liable for what you say. So, you're not in a political contest, you are in a court of law. Please understand that. This is a very serious matter. We have viewed the video on the last occasion. I want to ask you, what were you doing looking at the camera and crossing out, putting your marks to cross out the ballot paper? But why were you putting marks on the ballot paper? रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह की ये दलील खारिज हो गई। अब CJI ने अनिल मसीह से सवाल किया कि आप बैलेट पेपर खराब क्यों कर रहे थे। अब इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं साइन कर रहा था। इस पर CJI ने फिर कहा कि लेकिन आप मार्क भी लगाते दिख रहे थे, जिस पर मसीह ने कहा कि जिन पेपर्स में पहले से खराबी थी उन पर मैंने निशानी बनाई। जैसे ही वो सब हुआ उसके बाद इमीडिएटली आप पार्टी के एक काउंसलर मनोज और प्रेमलता आए, वो उन्होंने, मैंने ये बोला कि इतना 12 और 16 8 हुआ है, वो आए और उन्होंने आके सारे बैलेट पेपर को स्नैच करके फाड़ने लगे और उनको डिस्ट्रॉय करने लगे, फाड़ा, और चंडीगढ़ पुलिस के मार्शल्स ने उनको आकर बचाया और वापस उन सभी, बहुत जद्दोजहद हुई वहां पर, जो ये आप काउंसलर थे इन्होंने लेकर भागने लगे। इट इज क्वाइट क्लियर। आप बैलेट पेपर को डिफेंस आप क्यों कर रहे थे सर? मैं, आपको पता है आपका फंक्शन एक है, आपको बैलेट पेपर को नीचे साइन करना है, साइन कर सकते हैं आप, हर एक बैलेट पेपर को साइन करना है, पर आप ऐसा क्यों कर रहे थे कि कोई चुने हुए बैलेट को आप उससे आप अपना कहते हैं आप टिक लगा रहे हैं या आप क्रॉस लगा रहे हैं, आप वो क्यों कर रहे हैं आप बताइए? कौन से रूल के तहत आपको ये पावर दी गई है कि आप बैलेट पेपर पे अपना चिन्ह आप लगाएं? क्योंकि रूल 11 में यह लिखा है कि आप उसको साइन करेंगे, साइन करने के अलावा आपको कौन से रूल में ये कौन से रूल में यह प्रावधान है कि आप उसमें अपना कुछ
या एक्स या टिक या कुछ भी जो आप लगा सकते हैं, आपको कहां पावर है। इस जवाब पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, आप पर मुकदमा चलना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम डिप्टी कमिश्नर को निर्देश देंगे कि वो एक निष्पक्ष निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करे, नए सिरे से चुनाव हो, निगरानी के लिए एक न्यायिक अधिकारी की भी नियुक्ति हो। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। कोर्ट ने पूरे चुनाव के वीडियो मांगे हैं और चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह को खुद हाजिर होने का आदेश दिया। कोर्ट ने अनिल मसीह के आचरण पर सवाल करते हुए उनके वकील से कहा, ऐसे शख्स पर तो मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लोकतंत्र को मजाक बना दिया गया है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ वो लोकतंत्र की हत्या है। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद चंडीगढ़ में दोबारा मेयर के चुनाव हो जाएंगे, नया मेयर बन जाएगा, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने जो किया है उसको लेकर पूरे देश के चुनावी सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र की आत्मा पर, उस मंशा पर जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर राज्य चुनाव आयुक्त और तमाम एजेंसियों की तरफ से निष्पक्ष चुनाव के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन ये कितने निष्पक्ष होते हैं इसका एक नमूना चंडीगढ़ में दिख गया है। महीने भर के अंदर लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चुनाव कराने का पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सिस्टम भारत में है। देश के चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश को भरोसा दिला रहे हैं कि देश निष्पक्ष चुनाव के लिए तैयार है, लेकिन राजीव कुमार के अंडर में ही चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव भी आते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव में देश ने जो देखा उसको देखकर निष्पक्ष चुनाव के बड़े बड़े दावों पर सवाल तो उठते ही हैं। 1990 से 1996 तक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे स्वर्गीय टीएन सेशन। 1990 में तब वो दौर था कि जब जनता को लगता था कि इस देश में सरकार ही चुनाव कराती है। बिहार और बंगाल में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं आम थीं। सवर्ण और दबंग लोग दलितों को वोट नहीं डालते थे, उनके सारे वोटों पर खुद ठप्पा लगा देते थे। टीएन सेशन को ये हकीकत मालूम थी क्योंकि वो उसी सरकारी सिस्टम में रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त बनते ही 2 अगस्त 1993 को टीएन सेशन ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया जिसमें कहा गया था कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्तियों को मान्यता नहीं देती तब तक देश में कोई चुनाव नहीं कराया जाएगा। सेशन ने अपने आदेश में लिखा था कि चुनाव आयोग ने तय किया है कि उसके नियंत्रण में होने वाला हर चुनाव जिसमें 2 साल पर होने वाले राज्यसभा चुनाव, लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव जिनके कराने की घोषणा की जा चुकी है अगले आदेश तक स्थगित रहेंगे। सेशन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इससे इतने नाराज हुए कि उन्होंने सेशन को पागल कुत्ता तक कह डाला। बिहार और बंगाल के तमाम नेता टीएन सेशन को गंदी गंदी गालियों से नवाज रहे थे। लेकिन इस देश का संविधान हमारे सिस्टम को इतनी ताकत देता है जिसमें निष्पक्ष चुनाव कराने का विधान है। अखड़ सेशन अड़े रहे और जब चुनाव आयोग को पूरी संवैधानिक ताकत मिल गई तब उन्होंने देश में चुनाव कराए, ऐसे चुनाव जो निष्पक्षता की मिसाल बन गए। 1990 के दशक में पहली बार देश की आम जनता को ऐसा लगा कि चुनाव सरकार नहीं बल्कि चुनाव आयोग कराता है। तब हालत ये हो गई थी कि किसी चुनाव में अगर किसी गरीब गुरबे को वोट नहीं डालने दिया जाता था तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को कह देता था कि वोट डालने दो वरना सेशन साहब से शिकायत कर देंगे, और होता भी ऐसा ही था। टीएन सेशन ने अपनी ऑटोबायोग्राफी थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उस समय दूर दराज के गांवों से उनके लैंडलाइन फोन पर फोन आते थे जिन्हें वो खुद रिसीव करते थे और उस शिकायत का निराकरण करने की कोशिश करते थे। इस देश में 10 साल से फिर एक शक्तिशाली सरकार है, फिर सबसे बड़े चुनाव होने वाले हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव की घटना ने लोकतंत्र पर दाग लगाया है, चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार और सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट की फटकार को पॉजिटिवली लेना चाहिए और देश के चुनावी सिस्टम में फैल रही चंडीगढ़ की तरह की सड़ान को दूर करना चाहिए। लोकतंत्र पर भरोसा बहाल रखने के लिए ये बेहद जरूरी है। सियासी नुक्ता विद मुक्ता का हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।